हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन करियर क्लासेस में। और मैं कुमार अंबुज एक बार फिर से आप सबों के बीच साधारण ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3 लेकर आया हूं, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होती है। उम्मीद है फ्रेंड्स, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है आपको मेन एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुई होगी या फिर होगी। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए चलते हैं पार्ट 3 की ओर कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस अराइज होते हैं, आइए देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप क्वेश्चंस देख रहे होंगे आपके मोबाइल स्क्रीन पे है कि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपए के 920 रुपए हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ जाए तो राशि कितनी होगी? आपके ऑप्शंस हैं 992 रुपया, 995 रुपया, 960 रुपया और इनमें से कोई नहीं। आइए फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होती है, इसे कैसे किस प्रकार हम सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको जो क्वेश्चंस दे रखा था क्वेश्चंस पर गौर करेंगे। क्वेश्चंस था कि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपए के 920 रुपए हो जाते हैं, यानी कि 800 रुपया आपका शुरू में था, यानी कि वो क्या था, मूलधन था, और वही धन बढ़कर कितना हो जाता है, 920। ठीक है, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। और बोल रहा था कि ब्याज की दर अगर 3% बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो राशि कितनी होगी। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जो राशि प्राप्त होगी वह बढ़ के प्राप्त हुई होगी, यानी कि मूलधन पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो राशि आपकी बढ़कर हो जाती है यानी कि वह मूलधन पर जो ब्याज हुई होगी वह दोनों जुट कर उसको मिलेगा, यानी मूलधन पर अगर ब्याज जुटेगा तो क्या होगा, मिश्रधन। यानी कि आप जब भी इसको सॉल्व कीजिएगा तो मिश्रधन के फॉर्मूला पर सॉल्व कीजिएगा। मिश्रधन, मिश्रधन बोले तो फ्रेंड्स अमाउंट इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ए, यानी कि मिश्रधन बराबर होता है आपका मूलधन, ठीक है, मूलधन जोड़ ब्याज। ठीक है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज, यानी कि ए बराबर आपका हो जाएगा, अगर इंग्लिश की बात की जाए तो ए बराबर हो जाएगा, ठीक है, मूलधन, मूलधन को पी से सूचित करते हैं और ब्याज को सूचित करते हैं एसआई से। ठीक है, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी प्लस एसआई। अब इसी फॉर्मूला पर आपको हल कर देना है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ए बराबर यानी मिश्रधन निकालेंगे तो ए बराबर मूलधन, अब आपका मूलधन दे रखा था फ्रेंड्स 920 रुपया हो जाता है, यानी कि 920 रुपया हो जाता है वह बढ़कर, तो मूलधन की जगह पर जो बढ़कर होगा उसको लिखेंगे, यानी कि 920 प्लस ब्याज। तो ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, तब इस पर रख देंगे। तो मूलधन, मूलधन जो शुरू में था, ठीक है, तो शुरू में 800 रुपया था उस पर बढ़ा था, तो जो शुरू में होगा उसको लेकर चलेंगे, तो शुरू में कितना था 800, तो मूलधन गुने समय, समय दिया था आपका 3% और दर 3% बढ़ाने के लिए बोला था, तो दर भी लिख देंगे 3% और बटा कितना 100। अब इसको काट देंगे फ्रेंड्स, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 3 3 9 8 9 72, यानी कि 920 रुपया और प्लस 72 रुपया और जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 7 2 9, यानी कि 992 रुपया हो जाएगा। ठीक है, उसको कितना देना चाहिए, 992 रुपया उसकी राशि हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, इसी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं और आगे भी क्वेश्चंस किस प्रकार रहते हैं आइए देखते हैं। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है तथा ब्याज की दर और समय दोनों बराबर हो तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा, याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है यह, जो है मेन एग्जाम के लिए बार बार रिपीट क्वेश्चंस होती है। आपके ऑप्शंस रहे हैं 6 पूर्णांक 2/3, 7 पूर्णांक 2/4, 4 पूर्णांक 4/6 और 6 पूर्णांक 3/4। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिएगा, याद रखिएगा कि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो, यानी कि साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो परसेंट रहे और उस स्थिति में दर और समय दोनों समान रहे। ठीक है, तो वह दर निकालने के लिए या फिर समय निकालने के लिए छोटा सा फॉर्मूला होता है, उसको अप्लाई कर दीजिएगा। अब जैसे कि देखिए, याद रखिएगा फ्रेंड्स कि अगर दर निकालना हो तो आर या फिर समय निकालना हो तो इन, दोनों निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला आपको देंगे कि रूट अंडर एम बट्टा एन, ठीक है, और गुना 100। ठीक है, अगर दर निकालना है, ठीक है,
तो m बटा n यानी कि जो दे रखा है, दर निकालना है तो इसके लिए और समय निकालना है तो इसके लिए। अब कह रहा है यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पर दर बोल रहा था यानी r बराबर यहाँ पर रख देंगे रूट, ये जो m बटा n है ठीक है, ये जो आपका नंबर दिया रहेगा उसी को लिख देना है ठीक है। तो यहाँ बोल रहा था कि मूलधन का 4/9 ठीक है, तो m बटा n कितना मात्रा दिया हुआ है 4/9 और गुणे कितना कर देंगे 100 ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए इसको तोड़ देंगे तो r बराबर 4 का वर्गमूल होता है 2 और 9 का वर्गमूल होता है 3 और 100 का वर्गमूल होता है 10 ठीक है। अब इसको काटेंगे तो 10 गुना कितना हो जाएगा 20/3, काटेंगे तो 6 पूर्णांक 2/3 36 18 2 20/3 तो दर कितना परसेंट हो गया आपका 6 पूर्णांक 2/3% है ना, बिल्कुल सिंपल। यही अगर समय पूछता तो समय में भी यही रख देते ठीक है, बस समझ गए। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन रखते हैं, आइए समय निकाल कर दिखा देते हैं आप लोग। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर है कि किसी राशि का साधारण ब्याज उसका 81% है, कितना है 81% यदि दर तथा समय के संख्यात्मक मान समान हो तो समय क्या है। आपके ऑप्शंस रहे 9 वर्ष 13 वर्ष 17 वर्ष और 34 वर्ष ठीक है, 9, 13, 17 और 34। अब देखिए हमने अभी अभी जस्ट बताया कि दर निकालना हो या फिर समय निकालना हो सीधे आप उस पर रख दीजिए, जैसे कि यहाँ पे दर यानी आर निकालना हो या फिर एन निकालना हो, तो अभी जस्ट हमने बताया था कि एम बट्टा एन गुने कितना 100, आप इसी फॉर्मूला पर इसको हल कर दीजिए। तो यहाँ आपका समय निकालना है तो एन लिखेंगे, एन या फिर टी कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर रूट है तो रूट एम बटा एन 81% दिया था यानी कि यहाँ लिखेंगे 81/100 और गुने ठीक है कितना लिखेंगे 100। अब देखिए 100 से 100 तो यहाँ डिवाइड हो गया यानी कि एन बराबर 81 का वर्गमूल कितना होता है 9 यानी कि समय कितना वर्ष था 9 वर्ष, यही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका आंसर ठीक है। तो है ना बिल्कुल सिंपल, तो बस इसी प्रकार आपका क्वेश्चन पूछता है आप बना लीजिएगा ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। चलिए फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा बार बार रिपीट करता है, इसको ध्यान से देखिए ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कहता है किसी निश्चित रकम पर 5.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज है 676.50, उसी रकम पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए कितना कम होगा ठीक है, कितना कम होगा ठीक है, कम कहे या अधिक कहे दोनों रेशियो में एक ही पता चलेगा, बहुत ही इजीली बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा देखते रहिएगा ठीक है। प्लीज बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिए, मजा आए ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड्स तो कभी भी आपका कम कहे या फिर अधिक कहे हर हालत में बस एक ही फॉर्मूला को अप्लाई कर देना है। देखिए क्या है कि सबसे पहले जो प्रश्न दिया है ध्यान दीजिएगा कि निश्चित रकम पर 5.5% वार्षिक, इसको बड़ी आर मानिएगा यानी कि बढ़ता दर मानना है, तो बड़ी आर कितना दिया हुआ है आपका 5.5% ठीक है। अच्छा एक और आपका दर दिया हुआ है ठीक है, तो वो निश्चित रकम पर या फिर उसी रकम पर पूछे जो दर दिया है उसको छोटी आर मानिए, तो छोटी आर कितना दिया हुआ है आपका 5% ठीक है। और बोलता है समय दिया हुआ है आपका 1 वर्ष, तो यहाँ से अगर राशि निकालना होगा मूलधन ठीक है, तो यहाँ से राशि निकालने का एक फॉर्मूला है कि राशि बराबर बड़ी आर माइनस छोटी आर बटे छोटी आर गुना एसआर ठीक है, जो कि आपका साधारण ब्याज रहेगा ठीक है। बस आप इसी फंडा पे इसी फॉर्मूला पे इसको हल कर दीजिए, आपका एकदम इजी वे में हल हो जाएगा। अब देखिए कैसे यहाँ से राशि अगर निकालते हैं फ्रेंड्स, तो राशि बराबर बड़ी आर कितना था 5.5 माइनस छोटी आर कितना था 5 ठीक है, बटा छोटी आर कितना था 5 और गुणे एसआई। अब एसआई आपका कितना है, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर बड़ी आर होगा, यहाँ पर आपका बड़ी आर होगा ठीक है, बड़ी आर, तो बड़ी आर कितना है आपका 5.5 ठीक है, और गुणे एसआई, एसआई कितना होगा तो एसआई आपका दे रखा था 676.50, तो यहाँ लिखेंगे 676.50 ठीक है। अब इसको काट देंगे, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.5, ये हो जाएगा 5.5 और गुना हो जाएगा 676.50
50। अब देखिए एक दशमलव खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ से काट देंगे 11 बार में, ठीक है, और यहाँ से 11 से इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा फ्रेंड्स, इसको काटने के बाद आपका आ जाएगा 61.5, ठीक है, रुपया। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो है ना राशि, इस प्रकार के मेथड के लिए बहुत ही इजीली वे है, ठीक है, और जल्दी ही इस पर डील होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं इसी पर आधारित क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। इसी प्रकार आधारित क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। क्वेश्चन कहता है किसी निश्चित रकम पर 11% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का ब्याज कितना है, 407 रुपया। उसी रकम पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितना अधिक ब्याज होगा, कितना अधिक ब्याज होगा, यानी कि निकालना है कितना अधिक ब्याज उस पर हो जाएगा, यानी राशि निकालना है। तो आपको बताया गया था कि बड़ी आर माने कितना, बड़ी आर आपका दिया है कितना 11% और छोटी आर कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स 10%, ठीक है, और समय दिया है कितना एक वर्ष। अब यहाँ से राशि निकाल लेंगे तो राशि बराबर आपको फॉर्मूला पता है, बड़ी आर माइनस छोटी आर बटे बड़ी आर गुने राशि, ऐसा ही, ठीक है। तो चलिए इस पर फॉलो कर लेते हैं। तो देखिएगा बड़ी आर आपका कितना है 11, छोटी आर है आपका 10, और बड़ी आर कितना है 11 और गुने राशि कितना दे रखा था, ब्याज आपका 407। अब इसको काट देंगे फ्रेंड्स, तो 11 में से 10 गया 1/11 × 407, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 11 किया 33, 11 × 77, यानी कि आपका ब्याज कितना था तो 37 रुपया। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो बस फ्रेंड्स इसी प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, बस इसको फॉलो करते रहिए और हमेशा इस चैनल पे जो है अपने दोस्तों के साथ देखते रहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल प्रदान होगी मेन एग्जाम्स के लिए। तो उम्मीद है दोस्त आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी आपके साथ साथ वो इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख पाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज जितने भी सारे अपलोड वीडियो हैं आप उसको देखें, और हो सके तो प्लीज रिक्वेस्ट है दोस्त सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको जल्द से जल्द आपको कुछ नए वीडियो अपलोड मिले, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।